हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुडफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं आपके लिए क्या बनाऊंगी। तो इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपनी उस सब इंग्रेडिएंट से जो आज बनेंगे मेरी रेसिपी का हिस्सा और मेरी रेसिपी को बनाएंगे सबसे हटके और सबसे टेस्टी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये लिया है मैंने, एक ये 1 स्पून लिया है मैंने रोस्टेड जीरा, भुना हुआ जीरा है। ये लिया है मैंने लेमन जूस, एक नींबू का जूस है, ये रस है। और ये लिया है मैंने ब्लैक सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये ली है मैंने मिंट स्लीव ली है जिसको धो के मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और ये लिया है एक टमाटो, एक बड़े साइज का टमाटर है जिसको मैंने छोटे साइज में चॉप किया है। और ये लिया है मैंने 1 स्पून चाट मसाला। और ये लिया है मैंने ग्रीन चिली, 3-4 ग्रीन चिली है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये ली है मैंने कच्चे आम की चटनी जिसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और ये लिया है मैंने कोरिएंडर लीव्स, धनिया लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और ये लिया है मैंने एक बड़े साइज का पोटैटो है, बॉइल्ड पोटैटो जिसको मैंने चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और ये लिया है मैंने लोबिया जिसको मैंने 2-4 घंटे बाद पानी में भिगो दिया। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के 1 सीटी आने तक मैंने इसको अच्छी तरह से उबाल लिया है। और इसमें मैंने 1 मुट्ठी काले चने भी ऐड किए हैं, इसको भी मैंने उबाल लिया है। ओके, तो और ये लिया है मैंने ऑनियन जिसको मैंने बारीक चॉप किया है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी स्पाइसी चाट बनाने वाली हूँ लोबिया की, और वो भी एकदम इतनी बढ़िया चाट कि आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। और ये चाट बहुत ही आपके वेट को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेती हूँ एक भगोना। ये मैंने एक भगोना लिया है और ये लिया है एक बड़ा चम्मच। तो सबसे पहले मैं ये जो मैंने लोबिया और ये मैंने लिए हैं काले चने जिसको मैंने बॉईल किया है उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो लोबिया मैंने इसमें डाल दिया है और इसके बाद मैंने लिए हैं बॉइल्ड पोटैटो, पोटैटो डाल देती हूँ। और ये ऑनियन डालूंगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा ही मैं इसमें ऑनियन डालती हूँ। ये मैंने करीब 3 स्पून इसमें ऑनियन डाल दिया है। और इसके बाद मैं डालूंगी ये टमाटो, टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, टमाटर मैंने इसमें डाल दिए। और ये लिया है मैंने ग्रीन चिली, ग्रीन चिली डालूंगी मैं, थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि बच्चे खाएंगे तो ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं खा सकते। अगर बच्चे आपके कम खाते हैं तो कम डालें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। और ये लिया है मैंने चाट मसाला, 1 स्पून है ये 1 स्पून चाट मसाला। और ये ली मैंने खट्टे कच्चे आम की चटनी है और ये मैंने 1 चम्मच लिया है, इसे भी मैं इसमें डाल देती। और इसके बाद लिया है मैंने ये रोस्टेड जीरा, ये 1 स्पून है रोस्टेड जीरा, मैं इसमें डाल देती हूँ। लेमन जूस टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप खट्टा चाहें उतना डालें। तो 1 नींबू का रस निकाला था मैंने, तो मैंने इसमें डाल दिया है। और मैं लूंगी अब ब्लैक सॉल्ट लिया है मैंने ये, आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये लेती हूँ मैं ब्लैक सॉल्ट लिया है मैंने, ये ब्लैक सॉल्ट डालूंगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये 1/2 स्पून डाल दिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं ये कोरिएंडर लीव्स जिसको मैंने धोई काट लिया था, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। और इस सब को डालने के बाद मैं इन सबको कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। और देखिए हमारी बहुत ही चटपटी स्पाइसी चाट बनके रेडी हो चुकी है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसमें रेड चिली भी डाल सकते हो, और आप इसमें जितना आप तीखा चाहें उतना कर सकते हो। लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा तीखा मैंने इसमें कम रखा है। और देखिए मेरी ये लोबिया की चाट एकदम रेडी हो चुकी है। आप इसे वेट लॉस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, ये क्योंकि एक बैलेंस डाइट है, इसमें ऑयल नहीं है। आप इसे चटकारे मान के खाइए फिर भी आपका वेट ज़्यादा नहीं होगा, ये वेट लॉस का भी एक डाइट है। और मेरी चाट बनके हो चुकी है रेडी, और मैं इसे सर्व करती हूँ एक बाउल में और आपको दिखाती हूँ कि मेरी ये लोबिया की चाट किस तरह बनके रेडी हुई है। ओके, तो चाट बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हुई है और मैं इसे गार्निश करती हूँ मिंट लीफ से। देखिए चाट मेरी बहुत अच्छी बनके रेडी हुई है और खाने के लिए है बिल्कुल तैयार। तो आप इसे खाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको मेरा वीडियो लगा हो अच्छा तो आप मुझे जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए बी हेल्दी बी हैप्पी।